Hello and very good morning to all Sampurna students. Today we will discuss about mathematics subject of class 5th. Our topic was numbers. In the previous video we have done or we have understood how to form the numbers. But in this video we will continue with extension of numbers. Numbers ke extension ke baare mein hum yahan pe discuss karenge. Kis tarike se numbers humne 5 digit numbers ko form karna seekh liya. Now, उसको डिवाइड कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स और पीरियड्स वी कैन से हाउ वी विल डू दैट नंबर हैविंग फाइव और फोर मोर डिजिट्स कैन बी रीड क्विकली एंड इजिली बाय पुटिंग देम इनटू ग्रुप्स यूजिंग कॉमर्स जस्ट एक एग्जांपल देख लीजिए हियर इट इज वंस दिस इज टेंस देन हंड्रेड्स देन थाउजेंड एंड देन 10,000 व्हाट इट इज दिस इज 10,000 एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब कोई डिजिट अब यहाँ पे हमने फोर डिजिट्स पहले पढ़ा था फोर्थ स्टैंडर्ड में ये आपका हो गया था वंस दिस इज टेंस दिस इज हंड्रेड दिस इज थाउजेंड एंड दिस वन इज 10,000 ठीक है ये आपका 10,000 हो गया देन हमें जो थाउजेंड पार्ट है उसको अलग कर देना होता है ठीक है ये 10,000 और थाउजेंड पार्ट अलग हो जाएगा हंड्रेड टेंस और वंस एक साथ हो जाएगा मीन्स थाउजेंड कहाँ पे है यहाँ तक है तो ये आपका इस जगह पे कॉमा लग जाता है तो ये डिवाइड हो गया 10,000 में ओके अब ये वंस टेंस हंड्रेड को हम अलग नहीं करते हैं इसको सिमिलरली एक जैसे ही लिखते हैं तो अब आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ पे 85,240 अब इसको हम कैसे देखेंगे अगर हम इसकी डिजिट्स के अगर ऊपर इनके वैल्यूज रखेंगे प्लेस वैल्यूज तो ये हो जाएगा वंस दिस इज टेंस दिस इज हंड्रेड दिस इज थाउजेंड एंड दिस वन इज 10,000 ओके ये आपका 10,000 हो गया तो इसको यहाँ पे कॉमा लगाएंगे क्यों क्योंकि ये थाउजेंड सेपरेट हो गया इस जगह पे कितना हो गया ये 85,000 क्या पढ़ेंगे इसको 85,000 200 ये क्या है 200 और वंस टेंस एक संग मिक्स हो गया दैट इज 40 वन स्टेंस को मिक्स करके ही बोलते हैं ओके हंड्रेड भी अलग हो जाता है तो लेकिन हम कॉमा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लगाएं हम थाउजेंड को सेपरेट करते हैं एक्चुअली कॉमा की हेल्प से इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि वन स्टेंस हंड्रेड एक संग लिखा जाता है थाउजेंड पार्ट हम अलग कर देते हैं इसमें से तो दैट्स वाई थाउजेंड जहाँ ओवर होता है थाउजेंड और 10,000 एक संग हो गया तो वी विल पुट कॉमा हियर इस तरीके से आप इसको कॉमा में कर सकते हैं दिस इज द वे वी यूज कॉमास अब आया समझ में आपको किस तरीके से कॉमा लगाते हैं जब हमको थाउजेंड को सेपरेट करना होता है अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले भी मैंने आपको समझाया प्रीवियस वीडियो में कि जो भी नंबर हम जिसकी भी प्लेस वैल्यू लेते हैं जस्ट सपोज हमें एट की प्लेस वैल्यू लेनी है तो हमें उसके बाद के कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करना होता है वन टू थ्री फोर एंड फाइव देर आर फाइव सॉरी वन टू थ्री एंड फोर देर आर फोर डिजिट्स हैं एट के पहले एट के बाद फोर डिजिट्स हैं राइट तो फोर डिजिट्स हैं दैट मीन्स वी विल यूज एट एंड देन फोर जीरोज ओके और 10,000 के बाद कॉमा लगता है दैट मीन्स आफ्टर थ्री डिजिट्स मतलब वंस टेंस हंड्रेड यू हैव टू पुट कॉमा देयर ठीक है हंड्रेड के बाद आप इधर कॉमा लगा दोगे ताकि थाउजेंड सेपरेट हो जाए इधर थाउजेंड पार्ट देन अब हमने देख लिया एट के बाद वन टू थ्री फोर डिजिट्स हैं काउंट करने पर तो हम फोर जीरो से वहाँ पे पुट करेंगे आफ्टर दैट अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है फाइव के लिए देखना है फाइव में कितने फाइव के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं वन टू एंड थ्री मीन्स हम यहाँ फाइव तो लिखेंगे फाइव के साथ कितने डिजिट्स हैं थ्री डिजिट्स हैं तो हम थ्री जीरोज लिख देंगे ठीक है अगेन अब हम टू लेंगे ठीक है एक एक डिजिट का हम देखते जा रहे हैं ना टू ले रहे हैं तो टू के लिए कितने डिजिट्स हैं उसके बाद वन टू टू डिजिट्स बच रहे हैं इसके बाद उसके लिए हम यहाँ पे टू जीरोज लिखेंगे अगेन अब हम फोर लेंगे फोर ले रहे हैं फोर के बाद कितना डिजिट रह रहा है वन एक ही डिजिट है ना यहाँ पे उसी के नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं किया ना तो ये एक डिजिट रह गया तो इसलिए एक जीरो लगा देंगे आफ्टर दैट अब हम जीरो लेंगे सपोज जीरो ले रहे हैं यहाँ से जीरो के बाद कोई नंबर है नहीं है
तो ये जीरो हम एज इट इज लिख देंगे, और नहीं भी लिखेंगे तो भी ये रॉन्ग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे यू हैव टू डू एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, ओके। इस तरीके से आप जीरो जीरो लगा के हर डिजिट के बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये किस प्लेस पर है। तो ये आपका क्या हो गया 80,000, ये क्या है 5,000, ये क्या है 240, जीरो है यहाँ पे, तो इस तरह से एज इट इज जीरो मेंशन कर दिया है। तो अब आप इसको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 85,240। सिमिलरली हियर ऑल्सो एक एक डिजिट आप देखते चलिए, फाइव ले रहे हैं उसके बाद नंबर्स काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, फोर डिजिट्स हैं तो फाइव फोर जीरोस लग जाएंगे यहाँ पे, देन थ्री जीरोस, देन टू जीरोस, देन वन जीरो एंड देन वंस की प्लेस पर यहाँ पे फाइव है, फाइव के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स उसके बाद कोई जीरो नहीं रहेगा, इट विल बी रिटन एज ओनली फाइव। इस तरीके से आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर आप एक दो और एक्सपेरिमेंट्स करोगे, एक दो और एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अब जहाँ पे जीरो है यहाँ पर तो हम इसको काउंट करेंगे ही, डिजिट्स तो है ना, इसको डिजिट्स एज अ डिजिट अगर लें तो ये तो काउंटेबल है। फाइव का लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, फोर डिजिट्स है, दैट मीन्स फोर जीरोज लिखेंगे। अगेन अब जीरो ले रहे हैं, जीरो के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, 2 एंड 3, थ्री डिजिट्स हैं, मीन्स ये जीरो प्लस ये थ्री जीरोस मिला के यहाँ पे भी फोर जीरोस हो गए, क्योंकि ये तो डिजिट है ना, ये जीरो में नहीं काउंट हो रहा, ये डिजिट है, ये थ्री जीरोस यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। देन अगेन जीरो, फिर हम जीरो ले रहे हैं, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 2, 1 एंड 2, तो हम इस जीरो के बाद टू जीरोस लगाएंगे, इस जीरो के बाद ये जीरो लिखा ना, इसके बाद टू जीरोस लगा दिया। आफ्टर दैट थ्री है, थ्री के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 10 लगाएंगे, फिर 2 लेंगे, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं कोई डिजिट नहीं है, तो हम इसको बिना 0 लगाए एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो हम डाउट सेशन में ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, ओके। अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया है प्रॉपरली। अब आप यहाँ पे देखोगे कुछ नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस करना है आपको, जैसे कि मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ, ये 1000 की प्लेस है, ये 10,000 की प्लेस है। 10,000 जैसे हम यहाँ पे टेंस के लिए 50 बोलते हैं, वैसे ही 10,000 के लिए भी तो हम इसको 30 बोलेंगे ना, दिस विल बी 30,000, दिस विल बी 8,000, दिस विल बी 400, दिस इज 50 एंड देन 8। अब ये दोनों तो 10,000 और 1000 है, इसलिए इन दोनों को हम अलग क्यों रखें, इन दोनों को हम एक संग कर सकते हैं ना, तो क्या बन गया ये 30 और 8, 38, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे 38,458, इस तरीके से इसको स्पेल करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, ओके। ये चीज़ें हमने नोटिस की है कि 10,000 और 1000 की प्लेस एक साथ ऐड हो जाती है, एक साथ रहती है ना, वंस टेंस हंड्रेड एक साथ हो जाता है और 10,000 और 1000 एक साथ होता है, मीन्स 10,000 और 1000 की प्लेस को हम ऐड कर देते हैं, 30 + 8 कर दिया तो ये 38 हो गया, ओके। इस तरीके से दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, चूज एनी 5 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड मेक एनी 10 नंबर्स यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वर्ड फॉर्म फॉर ईच नंबर, 1 इज डन फॉर यू। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, 0 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर लो, जैसे यहाँ लिया हुआ है 5, 4, 5, 8, 2, आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म बताया है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हो और फिर इसका वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या हो गया ये 54,582। एक क्वेश्चन मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, पहले भी किया हुआ है, तो हम 0 से 9 तक कोई भी वर्ड नंबर ले सकते हैं ना, तो हम लेते हैं 1, 3, 6 और 7 और 2, ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने। अब हम इसको करेंगे कैसे, 1 लेंगे, 1 के बाद के जितने डिजिट्स हैं उनके जीरोस लगा देंगे, ठीक है, 1 उसके बाद 4 डिजिट्स हैं तो हमने 4 जीरोस लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 3 लेंगे, 3 के बाद कितने जीरोस लगाने चाहिए, 3 जीरोस, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। आफ्टर दैट 6 है, 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस लगेंगे, 7
सेवन के लिए वन डिजिट है, वन जीरो, और फिर टू के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए नो जीरोज एट ऑल। इसको पढ़ेंगे कैसे, 13,672। अब यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं जस्ट आपको बोल के बता देती हूँ, 13,672 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो 10 से लेके 9 तक आप कोई भी डिजिट लीजिए यहाँ पे, और उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में करके यहाँ पे उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो भी आपको क्वेश्चंस कराए थे उसको आपको अपनी कॉपी में करना है, और इस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी कॉपी में भी करना है, ठीक है। बुक में तो आप कंप्लीट करेंगे ही, साथ में अपनी कॉपी में भी कंप्लीट करेंगे। आपको इसी तरह 10 नंबर्स लेने हैं और इसको कंप्लीट करना है, इस टेबल को अपनी कॉपी में भी एंड बुक एज वेल। नाउ लेट्स डू प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। प्लेस वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जिस तरीके से हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, सिमिलरली प्लेस वैल्यू भी इसी तरह से देखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक प्लेस वैल्यू, 4 के लिए प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1s की प्लेस पर है, 1 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 10s है, 300 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है, 9000 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 1000 की प्लेस पर है, और 2 10,000 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 10,000 की प्लेस पर है। जिसकी प्लेस पे जो है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर आपका इस तरीके से आएगा, 2 किस प्लेस पे है, तो ये 20,000, ये 9,000, ये 300, ये 10 और ये 4। इस तरीके से आपका ये प्लेस वैल्यू निकलता है, ठीक है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है। यही चीज आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखोगे, 20 + 9,000 + 300 + 10 + 4, ये आप जिस तरीके से यहाँ लिख रहे हैं ना, सिमिलरली ये आपकी प्लेस वैल्यू ही है। अगर हम एडिशन के फॉर्म में ना लिखे, सीधे सीधे लिखें, इस तरीके से अगर लिखें, तो ये आपकी प्लेस वैल्यू ही होती है जो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का सिंबल है इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में है, अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है, तो जस्ट काउंट इट, 1s, 10s, 100, 1000, दिस इज 1000 के प्लेस पे है ना, ये 2 आपका 1000 के प्लेस पे, तो हमें इमीडिएटली क्या करना होगा, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपका आ जाएगा 2000, ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। ओके, इस तरीके से प्लेस वैल्यू करते हैं। ओके, देन यहाँ पे ये 10,000 के प्लेस पे है 3, तो 3 को हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी कर रहे हो ना, तो आपको सिंपली क्या देखना होता है, पर्टिकुलर जिस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी होती है उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतना काउंट करके उतने जीरोस लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का देखना था प्लेस वैल्यू, कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 and 3, 3 डिजिट्स हैं, तो क्या करेंगे हम, 3 जीरोस लगा देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 3 जीरोस लगे हुए हैं, इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू देखनी है, 1, 2, 3, 4, इसके बाद 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो हमें इसके लिए कितने जीरोस लगाने होंगे, 3 के बाद 4 जीरोस लगाने होंगे, काउंट इट, 1, 2, 3 and 4, 4 जीरोस लग गए। दिस इज द मेथड टू फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। नाउ यहाँ पे सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है, लाइक दिस आपको इसको कंप्लीट करना है इस टेबल को, ये यू हैव टू राइट 4। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या नंबर है, 8 किसकी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है, देन 100 की प्लेस पे क्या है, 7, 10s की प्लेस पे क्या है, 6, 1s की प्लेस पे क्या है, 9, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, आप इस तरह से कर लोगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। देन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये तो 9 × 1 ही हो जाएगा, मीन्स 9 ही आएगा क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, 0 नहीं लग सकता यहाँ पे क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी, मतलब 1s है इसकी प्लेस वैल्यू। देन यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 1s, 10s, 100, 1000, मीन्स यहाँ पे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका 1000 आएगा। यह 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 1s, 10s, 100, 1000, 10000,
10,000 मतलब आपके कितने जीरोस लिखने हैं, 1, 2, 3 and 4, 8 के बाद आपको यहाँ पे 4 जीरोस लिखने हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे 1 का अगर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 and 3 जीरोस. हियर आल्सो 8 and 4 जीरोस. 4 जीरोस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स है, काउंट करने पे 4 डिजिट्स आ रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 22 की निकालनी है और 1 डिजिट है, दैट मीन्स 10. यह 7 है, 2 डिजिट्स है, 2 जीरोस. ओके, ये इसकी प्लेस वैल्यू है. 8 की प्लेस वैल्यू देखनी है, 1, 10, 100, तो 3 जीरोस लगेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स है. 8 के बाद 3 जीरोस लगेंगे बिकॉज यहाँ पे आपके 3 डिजिट्स है, 1, 2 and 3 डिजिट्स, तो ये 3 जीरोस लग गए. ठीक है, नाउ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 6 इन 9,264. मीन्स आपको किसकी वैल्यू देखनी है, प्लेस वैल्यू 9 की और 6 की. तो 9 की क्या हो गई, 9 की देखेंगे तो 1, 2, 3 डिजिट्स हैं. 9 की 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब 3 जीरोस लगेंगे. और 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है. तो क्या होगा यहाँ पे, 10 के साथ 6 लिख जाएगा. ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू. ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे. ओके, ये आपके प्लेस वैल्यू का कंप्लीशन है. इसको आप दोनों एक्सरसाइजेस आप अपनी कॉपी में करोगे, जो मैंने यहाँ ये ऊपर टेबल वाला दिया था, प्लस ये प्लेस वैल्यू वाली एक्सरसाइज, इसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लोगे. ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मतलब क्या होता है, नंबर्स जो ग्रेटर हो, स्मॉलर हो या इक्वल हो, वो कंपेयर करना. मीन्स ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. इसके लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, ग्रेटर दैन का, स्मॉलर दैन का, इक्वल टू का, ये सारे सिंबल्स यूज करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, वी यूज द सिंबल्स ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू कंपेयर एनी टू नंबर्स. किसी भी दो नंबर को कंपेयर करने के लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं. टू केसेस होते हैं व्हेन ऑल नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. फॉर एग्जांपल, डिफरेंट डिजिट्स मतलब कहीं 4 डिजिट्स हैं, कहीं 5 डिजिट्स हैं, मतलब कहीं 10,000 में है डिजिट्स, मतलब या फिर कहीं 1,000 में है डिजिट्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है. ये ध्यान, यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जा रही हैं चीज़ें कि 4 डिजिट वाला छोटा नंबर होगा, मीन्स स्मॉलर नंबर है, राइट. बट ये तो आपके लिए बहुत ईजी है बिकॉज यहाँ पे डिजिट्स कम है, डिजिट्स कम है, दैट मीन्स नंबर भी छोटा होगा. यहाँ 9,000 है, यहाँ 35,000, डेफिनेटली दिस वन नंबर विल बी स्मॉलर, मीन्स लाइक दिस. और ग्रेटर नंबर की ओर हमेशा माउथ ओपन रहता है, ठीक है, और स्मॉलर नंबर की ओर माउथ क्लोज रहता है. तो ये ईजी है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे डिजिट्स कम दिए हुए हैं, कम डिजिट्स हैं, दैट मीन्स नंबर छोटा है. अब इसके लिए रूल्स भी हैं, कंपैरिजन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर इट इज अ लेसर नंबर और अ ग्रेटर नंबर. नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज अ लार्जर नंबर एंड द नंबर विथ अ लेस नंबर ऑफ डिजिट्स इज अ स्मॉलर नंबर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, अगेन 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स. काउंट करो ना, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5 डिजिट्स एंड दिस इज 1, 2, 3 and 4, दिस इज 4 डिजिट नंबर. डेफिनेटली ये नंबर आपका बड़ा होगा इससे, राइट. इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो अगर डिजिट्स कम और ज़्यादा हैं तो. अब बट जब डिजिट्स सेम रहे, मतलब इधर भी 5 डिजिट्स है एंड हियर आल्सो इट इज 5 डिजिट्स, देन व्हाट वी विल डू, या वी हैव टू जस्ट सी कि आप देखोगे इधर से जो भी नंबर है उधर से स्टार्ट करोगे, 10,000 जो भी आपका बिगर नंबर है, बिगर डिजिट है जिधर की ओर, उधर से स्टार्ट करोगे. मीन्स 1 से कभी भी नहीं देखते, कंपेरिजन नहीं करते, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट साइड, 1s के अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट. अभी हमें 5 डिजिट्स नंबर्स देख रहे हैं तो हम 10,000 से स्टार्ट करेंगे. 7 और 7, यहाँ कंपैरिजन के लिए नंबर्स सिमिलर हैं तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं. 8 और 8, ये भी सिमिलर हैं, बट 100 की प्लेस पर 8 और 5 है, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है हमें. तो 8 छोटा है, 5 छोटा है, दैट मीन्स 78,546 will be the smaller number. यहाँ पे digit wise फिर हमें देखना पड़ता है, एक एक नंबर को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर इनमें छोटा आ रहा है. ओके, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं. ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप,
यहाँ पे भी 1 5 दोनों से मिलाने 1 5 ठीक है, बट 100 के प्लेस पे यहाँ 6 है और यहाँ 0, दैट मीन्स ये नंबर आपका छोटा होगा, दिस विल बी द स्मॉलर वन। ये 24 24 ये तो सिमिलर जा रहा है, 24 24 दोनों सिमिलर है, बट 100 के प्लेस पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स ये बड़ा नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ 6 बड़ा है और 5 छोटा, दिस विल बी द आंसर। इस तरीके से हमको अगर सिमिलर डिजिट्स हैं, इधर भी 5 डिजिट्स हैं और इधर भी 5 डिजिट्स हैं, तो हमें इस तरीके से कंपेयर करना होता है। काउंट कर लो, 1, 10, 100, 1000, 10000, 1, 10, 100, 1000, 10000, मीन्स दोनों 10000 तक है, दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे, 1 1 डिजिट लेके दोनों का देखते जाएंगे, जो जिसमें छोटा पहले आ जाएगा तो दैट विल बी द स्मॉलर नंबर। रूल टू कंपेयर दीज नंबर्स, अब किस तरीके से रूल यहाँ पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, वो यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 लेके कंपेयर कर रहा है। दोनों नंबर्स को हम इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है, डिजिट्स लिख के 1, 10, 100, 1000, 10000 लिखकर नंबर्स उसके नीचे एज इट इज लिख देंगे। ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है और ये सेकेंड नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट दोनों सिमिलर हैं, 1000 भी दोनों सिमिलर हैं, 100 के प्लेस पे 8 और 5 है, मीन्स ये नंबर छोटा है। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि दिस नंबर विल बी स्मॉलर, ओके। इसी तरह से यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ एग्जाम्पल 4, सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को क्रॉस करना है, जो सबसे छोटा होगा। फर्स्टली तो आप डिजिट्स काउंट कर लीजिए कि सब सिमिलर हैं, इसमें आप देख रहे हैं सारे 4 डिजिट्स नंबर्स हैं, है ना, काउंट करिए 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट्स नंबर्स हैं सारे, ये भी ये भी ये भी और दिस वन ऑल्सो। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कैन कंपेयर विद, जब हमने ये चीज़ चेक कर ली, यहाँ पे कोई भी डिजिट बड़ी नहीं है, यहाँ पे सारे 4 4 डिजिट्स के ही नंबर्स हैं, फिर हम देखना शुरू करेंगे लास्ट नंबर से कि कौन से नंबर यहाँ पे बड़े हैं। यहाँ पे इसमें भी 4 है स्टार्टिंग में, इसमें भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दैट मीन्स ये नंबर हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्या है, इस प्लेस को देखेंगे, 5 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, मीन्स इनमें से 8 सबसे बड़ा है, दैट मीन्स आपका ये नंबर सबसे बड़ा हुआ। इस तरीके से 1 1 डिजिट कंपेयर करते जाते हैं ना, तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा हो गया 4892। अब इनमें से ही हम देख लेते हैं जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है, 5 3 और 4 में, 3 सबसे छोटा आ रहा है, 4 5 और 3 में सबसे छोटा 3 हुआ, तो स्मॉलेस्ट नंबर फिर इसका मतलब ये हो गया, इसको हमें क्रॉस करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर को क्रॉस करना है और ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले डिजिट्स काउंट करने हैं, डिजिट्स अगर सिमिलर हैं फिर हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे कि ये नंबर सिमिलर है या डिफरेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्मॉलर और ग्रेटर पता चल जाता है। देन कंपेयर द फॉलोइंग बाय यूजिंग ग्रेटर देन स्मॉलर देन एंड इक्वल टू साइंस। यहाँ पे सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देकर समझाया, एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे अब आपको वही कंपैरिजन करना है और इसको कंप्लीट करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे ये 5 डिजिट्स का नंबर है और यहाँ पे ये 4 डिजिट्स का नंबर, दैट मीन्स ये छोटा हुआ तो आपका आंसर ये हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर कॉपी ऑल्सो एंड बुक ऑल्सो, आपको इसको अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी कंप्लीट करना है। नाउ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स, अब यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, आफ्टर दैट उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा एंड लास्टली द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लिखना है फिर आपको, ठीक है। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में इट इज जस्ट वाइस वर्सा, मीन्स अपोजिट है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस फॉर्म में चलना है कि आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिखोगे और सबसे छोटा नंबर बाद में लिखोगे, ये आपका असेंडिंग है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो वो आपका असेंडिंग हो जाता है, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब ये असेंडिंग हो गया, और वापस जब आप सीढ़ियाँ उतरते हो तो वो आपका
डिसेंडिंग हो, क्या मतलब आप डिसेंड हो रहे हो, नीचे आ रहे हो, ठीक है, नंबर छोटा होते जा रहा है। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको करना होगा। ओके, नाउ एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देन यू कैन डू इट वेरी वेल। 27,045, 18, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे डिजिट्स जो है फाइव, सारे नंबर जो है फाइव डिजिट्स के ही हैं, है ना, काउंट करके देख लो सारे फाइव डिजिट्स के ही हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें 10,000 के प्लेस से स्टार्ट करना है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर आ रहा है। टू है यहाँ पे, देन वन, देन थ्री, एंड देन अगेन वन। पहले हमें पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर पहले लेना है। सबसे छोटा नंबर अब यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, ठीक है, दो जगह वन हो गया, तो उसके बाद का नंबर चेक कर लेते हैं। यहाँ एट है और यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स ये सबसे छोटा नंबर हुआ, राइट। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, दिस वन विल बी रिटन एज द फर्स्ट नंबर, 10,678, ये सबसे पहले लिखेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे आपका 18,137 हो गया, ये दोनों नंबर्स तो आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पे 33 है, यहाँ 27, दैट मीन्स थर्ड नंबर पे आपका ये वाला नंबर लिखाएगा 27,045, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 33,270। ओके, ये आपका सबसे लास्ट में लिखाएगा, तो दिस विल बी योर असेंडिंग ऑर्डर, और जस्ट इसका ऑपोजिट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। मीन्स उसमें आप सबसे पहले ये सबसे बड़ा लिखोगे, देन ये वाला नंबर लिखोगे डिसेंडिंग के लिए, देन ये वाला नंबर लिखोगे डिसेंडिंग के लिए, और फिर ये सबसे छोटा लिखोगे डिसेंडिंग के लिए। ये लास्ट में हो जाएगा, असेंडिंग में ये फर्स्ट रहता है और डिसेंडिंग में ये लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे छोटा लास्ट में लिखना होता है। यू ऑल हैव टू डू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो इन योर फेयर कॉपी, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ये आपके सारे एक्सरसाइजेज हैं रिलेटेड टू द चैप्टर, इनको भी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है, इनको आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। वी विल अटैच द आंसर शीट लेटर ऑन, अपलोड करेंगे हम जल्दी इसके लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।